नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन को छूने वाले पेड़ की जड़ और सिरे के बीच की दूरी 10 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक पेड़ था, ठीक है, ये इसका बेसलाइन है। इस पेड़ को बीच बीच में से ये पेड़ टूट गया, ठीक है ना, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है ना। जब ये पेड़ ए पॉइंट से टूटा तो ये इस तरह से जमीन के साथ, यानी ये जो ये बी पॉइंट है वो जमीन पे आ गया, ठीक है ना। तो ये जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। हमसे पूछा गया है ओ ए प्लस ए बी की टोटल लेंथ निकालिए, हमें ये हमसे ये पूछा है पेड़ की टोटल ऊंचाई। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई तो ओ बी हुई, यानी ओ ए प्लस ओ बी, सॉरी ए बी, ठीक है ना, ओ ए प्लस ए बी टोटल लंबाई हो गई पेड़ की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए, अगर एंगल 30 डिग्री हो, ठीक है ना, तो एंगल 30 डिग्री पे जो हमारी बेस वैल्यू रहती है तीनों साइड की, वो रहती है 1 यूनिट, 2 यूनिट और अंडर रूट 3 यूनिट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितनी दी गई है, बेस की कितनी वैल्यू है 10 मीटर, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ओबी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। तो मेरी जो बेस वैल्यू आ रही है अंडर रूट 3, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 कर लेता हूँ, तो तीनों साइड को अंडर रूट 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब मेरी जो बेस वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब मैं कंपेयर करता हूँ, मेरी जो ट्रायंगल है उसकी बेस वैल्यू 1 यूनिट है, एक्चुअल में क्या दिया हुआ है 10 मीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है ना, दोनों को जोड़ देता हूँ, यानी 1/√3 प्लस 2/√3, ये किसके इक्वल आ गया, √3 यूनिट के, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर है, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी 10 गुना √3, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है।